एफआईआर से काम नहीं चलने वाला। अगर हम मांग करेंगे इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो यकीनन हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन से भी काम नहीं चलेगा तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके खिलाफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी शान में गुस्ताखी की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। और यकीनन मैं सांसद हूँ, लेकिन सांसद होने के साथ साथ मुसलमान हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबके धर्म का सम्मान करूँ। मुसलमान कहीं कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। कानून सबके लिए है, इस कानून की चक्की में सब लोग पिसेंगे। अगर कोई गलत मुसलमान करता है उसके साथ भी वह व्यवहार होना चाहिए, अगर हिंदू समाज का करता है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। वो कानून ये हो कि जो आदमी ऐसी शर्मसार हरकत करे, अगर कोई घटिया हरकत करता है, इस टाइप की कोई टिप्पणी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं। कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उनकी कोई गुरुमति कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो घटनाएं घटी जा रही हैं, ख़ासतौर से हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और पहले भी कई बार इसका विरोध होता रहा है, लेकिन अफसोस है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन किया था और इस बारे में मांग की थी मैंने कि जो भी शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उनकी कोई गुरुमति कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यदि नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूँ कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो दो कौड़ी के लोग आज बेहरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं। और हम इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। और हमारा मज़हब इस्लाम भी ये सबक देता है कि आप किसी दूसरे मज़हब की भी, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा मज़हब मुझे ये हुक्म देता है कि दूसरे किसी धर्म के ख़िलाफ़ या उनके किसी के ख़िलाफ़ कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं कहें, ना उनका कोई अपमान करें। मेरा मज़हब सिर्फ ये नहीं सिखाता कि सिर्फ हम अपने मज़हब का सम्मान करें, हमारा मज़हब ये भी सिखाता है कि हम दूसरों के मज़हब का भी सम्मान करें। लेकिन चंद लोग जो आए दिन इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, जो आए दिन एक प्रचलन बना लिया है और एक मजाक सा रह गया है चल करके, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार से, मैंने प्रदेश में भी मांग की थी कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ और इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट चलेगी तो इस मसले को मैं मजबूती के साथ मैं पार्लियामेंट के अंदर रखने का काम करूँगा कि इसमें एक कानून बनना चाहिए। और वो कानून ये हो कि जो आदमी ऐसी शर्मसार हरकत करे, अगर कोई घटिया हरकत करता है, इस टाइप की कोई टिप्पणी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे कम सज़ा हमें बर्दाश्त नहीं है। जब हम खुद कह रहे हैं हम दूसरों के अगर मज़हब के बारे में कोई अपमान नहीं करना चाहते, हम उनका भी सम्मान करते हैं, तो हम ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस मुल्क के अंदर हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सभी लोगों का इसमें रोल रहा है। तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर हमारे कुरान शरीफ की शान में कोई गुस्ताखी करे, बेहरमती करे। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि भले ही सरकार बीजेपी आरएसएस की है, लेकिन वो अपनी इस हर चीज़ को देखते हुए अगर वाकई में वो सबका सम्मान और सबका साथ सबके विकास की बात करती है तो इस सिलसिले में कड़ा कदम उठाए और इस सिलसिले में एक नया कानून बनाए जो इस टाइप की हरकत करें उनके खिलाफ। कोई हम ये नहीं कहते सिर्फ मुकदमा लिखने से काम चल जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त सज़ा, सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। सांसद जी, क्या वजह है जो इस तरह के बयान कुछ लोग दे रहे हैं, क्या मानते हैं उसको लेकर के, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान कहीं कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। कानून सबके लिए है, इस कानून की चक्की में सब लोग पिसेंगे। अगर कोई गलत मुसलमान करता है उसके साथ भी वह व्यवहार होना चाहिए, अगर हिंदू समाज का करता है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन इस टाइप की जो होना है, हम तो ये कहेंगे कहीं ना कहीं इशारा इनको, इन लोगों को मिला हुआ है ऊपर से, जो आए दिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस चीज़ को अंजाम देते हैं। राजनीति में
पक्ष और विपक्ष होता है, राजनीति होनी चाहिए और इस हद तक होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के ऊपर उसको सही से और जनता की खिदमत कर सकें, इस तरफ उसका ध्यान आकर्षित करें, उसकी कमियां गिनाएं अगर वो जनता का ख्याल नहीं पाए। लेकिन इस टाइप की भद्दी राजनीति, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे कि धर्म के ऊपर कोई इस टाइप की टिप्पणी की जाए। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी धर्म के खिलाफ कोई इस टाइप की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और ख़ासतौर से मजहब इस्लाम में जो बार बार हमारे आका के खिलाफ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी शान में गुस्ताखी की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। और यकीनन मैं सांसद हूँ, लेकिन सांसद होने के साथ साथ मुसलमान हूँ, और मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं सबके धर्मों का सम्मान करूँ। लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि हम इस चीज़ को, मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सारी चीज़ हद में रहे, ये देश संविधान से और कानून से चले, और इस टाइप की हरकतों करने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कतई ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले। हम जिस व्यक्ति ने ये किया है हम उसे सज़ा हम नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि हमारी इस देश की सरकार, और सरकार अगर इसमें इंसाफ हमें नहीं देगी तो हमें उम्मीद है कि इस देश का न्यायालय, सर्वोच्च हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई कानून बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई कदम उठाएगा जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। किन लोगों का हाथ मानते हैं इसके पीछे, इस बयान के पीछे? देखिए मैं यही कहूँगा, मैंने अब कहा कि कहीं ना कहीं इस टाइप की राजनीति होना और फिर सरकारों के खामोश रहना, तो इसमें मुझे सियासी बू आती है। हम इस चीज़ पर राजनीति नहीं कर सकते, ना मैं कभी राजनीति करने की सोच सकता हूँ जो ये मसला है। मैं सिर्फ यही कहूँगा राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमने काम क्या किया और पक्ष ने क्या काम नहीं किया, उसको हम उसकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज़ पर राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग, मैं यही कहूँगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों का काम हो, और अगर उनका हाथ नहीं है, उनकी नियत साफ है बीजेपी के लोगों की, उनकी सरकार प्रदेश और देश के अंदर उनकी सरकार है, और जब वो चुनाव आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर वो वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो इस पर कानून बनना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। और कानून यह होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और सिर्फ एफआईआर हुई है, आगे क्या स्टंट रहेगा? सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलने वाला। अगर हम मांग करेंगे इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो यकीनन हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन से भी काम नहीं चलेगा तो फिर हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे इसके खिलाफ, और ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। थैंक यू।